तो दोस्तों वेलकम बैक टू फैक्टिन। दोस्तों जब हम कोई मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी सबसे पहले मेमोरी चेक करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग की मेमोरी कितनी होती है, इंसान अपने दिमाग में कितनी जीबी चीजों को स्टोर रख सकता है। आज इसी के विषय में साइंस के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान का दिमाग कितने जीबी का होता है। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क को केंद्र में रखकर कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। इंसान के दिमाग की इकाई न्यूरॉन्स होती है, जबकि कंप्यूटर स्टोरेज की इकाई बिट होती है। कंप्यूटर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, लेकिन दिमाग में ये दोनों काम न्यूरॉन्स का ही होता है, जिसके कारण इसकी मेमोरी के बारे में पता लगाना मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार आज जानेंगे कि मानव मस्तिष्क किसी चीज को याद रखने के लिए हमारा दिमाग इन तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्रीवल। इनकोडिंग यानी किसी चीज को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना। किसी चीज को याद रखने के लिए हमारा दिमाग सबसे पहले इनकोडिंग करता है। हमारा मस्तिष्क अनगिनत न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका ब्रेन सेल से बना होता है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। जब हमें कोई जानकारी मिलती है या हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो यह जानकारी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में न्यूरॉन्स के इस नेटवर्क में डाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में संदेशों को आवाजाही सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होती है। सिनेप्स को आप एक पुल के रूप में समझ सकते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इस जानकारी या अनुभव का सिग्नल बार बार भेजता है तो इसके बीच स्थित सिनेप्स यानी कि पुल और मजबूत हो जाता है। जैसे जैसे आप नई नई चीजें और अनुभव सीखते हैं, वैसे वैसे न्यूरॉन्स के कनेक्शन में भी बदलाव आता जाता है। दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि किसी चीज को स्टोर करके रखना। इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए जब मेमोरी बना ली जाती है तो इसे अब स्टोर किया जाता है। जब हम किसी चीज की जानकारी लेते हैं या अनुभव करते हैं तो सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर की जाती है। यहाँ याददाश्त कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रहती है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कम क्षमता होती है। फिर महत्वपूर्ण जानकारियाँ धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दी जाती है। जितनी ज्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्थित जानकारी या अनुभव रिपीट होते हैं, उतना ही जल्दी ये जानकारी अनुभव लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तीसरा आता है रिट्रीवल, यानी कि जब हम किसी चीज को बार बार याद करते हैं। जब हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, दरअसल आप मस्तिष्क द्वारा स्टोर की गई मेमोरी को रिट्रीव यानी कि फिर से सामने लाते हैं। इसे मेमोरी में रिकॉल भी कहते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के समय मेमोरी रिकॉल करना काफी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों रिकॉल करने से आप किसी चीज को फिर से याद करके उसे रिपीट करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के हिसाब से इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 TB से लेकर 2.5 पीटा बाइट्स होती है, यानी कि 2.5 पीटा बाइट्स होती है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है और 1024 GB बराबर 1 TB और 1024 TB बराबर 1 PB मेमोरी होती है। दोस्तों लेकिन एक आम इंसान अपने दिमाग के केवल 512 MB का ही अपने पूरे जीवन में उपयोग करता है। हालांकि दोस्तों डॉक्टर और IAS अधिकारी 1 GB एवं ग्रेट साइंटिस्ट सिर्फ 5 GB तक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए आपका दिमाग कितनी ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।